ओके जी, इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ सिनेरियो होता है जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस बना रहे होते हो या किसी पीएचपी या हमारे पास समझ लें कि किसी और सर्वर साइड लैंग्वेज से जब आप काम कर रहे हैं या किसी फ्रेमवर्क से काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की हमें जो है वो थोड़ी सी ख्याल रखनी पड़ती है कि क्या उसमें क्या किस तरह के सिनेरियो होते हैं। देखिए, होता है कि हमारे पास जब भी किसी तरह की पेरेंट टेबल होती है और चाइल्ड टेबल। अब पेरेंट टेबल वो होती है जिसमें आप प्राइमरी कीज वगैरह लगा रहे होते हैं। चाइल्ड टेबल में भी अपनी एक संभाल लें कि प्राइमरी की होती है, लेकिन चाइल्ड टेबल से आपकी कुछ फॉरेन कीज भी अप्लाई हो रही होती है। यानी दो टेबल्स के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप हम दे रहे होते हैं। लेकिन किसी भी टेबल्स के अंडर ये जो आपके रिलेशनशिप होते हैं उनके ऊपर हम कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सही है कि अगर एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कोई रिलेशनशिप कर रही है तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी, या क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। अभी हमने एक टेबल बनाया हुआ था प्राइमरी की वगैरह लगा के, हमारी एम्प्लॉय की टेबल थी, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं और उसके बाद हम उसको फिर से बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये जो है डिलीट हो चुकी है। अच्छा, अब याद रहे कि जो टेबल आपकी पेरेंट होगी सबसे पहले वो बनानी है। तो मैं जो ये सिनेरियो ट्राई कर रहा हूं वो होगा एक टेबल मैनेजर का, क्रिएट टेबल मैनेजर, उसके अंदर दो कॉलम होंगे। कौन से? एक होगी मैनेजर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, और दूसरा हमारे पास होगा मैनेजर का नाम जो होगा वर्चार, और ये उसकी लेंथ जो भी आप देना चाहते हैं, दैट्स इट। एक टेबल होगी मैनेजर की, दूसरी होगी हमारी एम्प्लॉय की टेबल। तो एम्प्लॉय की टेबल के ऊपर आईडी का कॉलम, प्राइमरी की, नेम, और उसके अलावा बाकी कॉलम ये जो है मैं इनको हटा देता हूं। हम थोड़ा सा इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे, जो हमारा समझ ले सिनेरियो है बस उसी को टेस्ट कर ले। ठीक है, तो मैनेजर की टेबल पहले बना देनी है, मैं यहां पे आके इसको क्रिएट कर देता हूं। हमारे पास मैनेजर की टेबल बन चुकी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मैनेजर, तो आपको एक टेबल नजर आएगी जिसमें दो कॉलम है, मैनेजर आईडी और मैनेजर का नाम। ठीक हो गया। उसके बाद एक टेबल बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर हमने क्या करना है, एक आईडी का कॉलम है और उसके बाद इसका एक नाम है, उसके अलावा सैलरी है, और तीसरा कॉलम जो है सैलरी, उसके बाद हमने देना है चौथा कॉलम जो होगा एज अ फॉरेन की। अभी कॉलम कौन सा होगा, मैं यहां पे आके मैनेजर आईडी ये भी बना सकता हूं कॉलम, यानी जिस टेबल के साथ मेरा रिलेशनशिप होने जा रहा है वो है हमारी मैनेजर्स की टेबल, ऐसे ही है ना। उसके अंदर अगर कॉलम का नाम एमआईडी है तो यहां पे भी एमआईडी लिखना लाजमी नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। सही है, बहुत सारे सिनेरियोज में लोग क्या करते हैं कि सिमिलर रख देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है कि कन्फ्लिक्शन नहीं होती, नाम का थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि यार वहां से जो आ रहा है मैनेजर आईडी, तो यहां पे भी हम क्या बना देते हैं, मैनेजर आईडी ही बना देते हैं। तो आप एमआईडी रखें, मैनेजर आईडी रखें, नाम से डिफरेंस कोई नहीं होता। हाँ, डेटा टाइप सिमिलर होनी चाहिए, ये लाजमी। कौन सा क्लियर हो गया, वहां पे एमआईडी, यहां पे भी एमआईडी। अब ये कॉलम क्या करेगा, फॉरेन की रिलेशनशिप बनाएगा। फॉरेन की रिलेशनशिप किसके साथ, हमारी जो टेबल है कौन सी, रेफरेंसेस मैनेजर टेबल। यानी ये कॉलम इस टेबल का है, एम्प्लॉय की टेबल का है, जो किसके साथ रिलेशनशिप करने जा रहा है फॉरेन की के थ्रू, मैनेजर की टेबल के साथ। ठीक हो गया। और यहां पे आके हमने बताना है एमआईडी, ये एमआईडी मैनेजर की टेबल का और ये एमआईडी किसका है, एम्प्लॉय के टेबल। सही है, अगर आप चाहते हो इस कॉलम का नाम अलग हो तो बेशक आप डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अब मैं यहां पे आता हूं और अभी तक कोई सिनेरियो में अप्लाई नहीं करा, जैसे नॉर्मल प्राइमरी की फॉरेन की अप्लाई करते हैं वैसे ही कर देते हैं और इस टेबल को भी कर लेते हैं क्रिएट। आंसर क्लियर हो गया। तो हमारा क्या हुआ, दो टेबल बन चुकी, एक टेबल है एम्प्लॉय की, दूसरी है हमारे पास मैनेजर की, सिलेक्ट
ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते मैनेजर आईडी और हमारे पास क्या है एम्प्लॉय, सॉरी मैनेजर की टेबल और हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल, जिनमें दोनों टेबल में एक आपका मैनेजर आईडी मैनेजर्स की टेबल का, दूसरा मैनेजर आईडी एम्प्लॉय के टेबल का। कौन सा क्लियर हो गया? अब एक काम कर लेते हैं, यहां आते हैं। इसको हमने कौन से डेटाबेस के अंदर अप्लाई किया था? इसका नाम है टेस्टिंग कंस्ट्रेंट्स। मैं इस डेटाबेस के अंदर जाता हूं, रिफ्रेश करते हैं। टेस्टिंग कंस्ट्रेंट्स ये रहा, मैं इसको थोड़ा डायग्राम में शो कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये टेबल्स किस तरह से रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये टेबल्स किस तरह से रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक टेबल है मैनेजर का, दूसरा टेबल है एम्प्लॉय का। अब होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आके मैनेजर की टेबल में कुछ मैनेजर्स का डेटा एड कर देता हूं। यहां पे आके हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू मैनेजर वैल्यूज। अब मैनेजर आईडी अगर आप दे रहे हैं वन, अब वन देने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये आइडेंटिटी नहीं है। नीचे आप एम्प्लॉय का कॉलम, हमारे पास आइडेंटिटी है, ये सी आइडेंटिटी। तो जहां आइडेंटिटी लगी है उस कॉलम को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं लगी वहां पे वैल्यू देने की आपको जरूरत है। तो मैनेजर आईडी आपको देनी है, उसके बाद आपने क्या देना है, मैनेजर का नाम। मैं कह देता हूं कि भाई मैनेजर है हमारा एबीसी, और यहां पे आके आपने कॉपी करना है, ऐसे दो तीन मैनेजर एड करवा देना है। ठीक है, सेकंड आईडी वाला यहां पे होगा सपोज हसन, थर्ड आईडी वाला हमारे पास होगा सपोज खलाद। ठीक है, और ऐसे ही हमने कुछ और रिकॉर्ड एड कर देना। ठीक है जी, ये जेड है, उसके बाद उसारिम है, ये हो चुका। अब मैं इन पांचों रिकॉर्ड्स को एट अ टाइम ऐड कर देता हूं मैनेजर्स की टेबल में। अब यहां पे आके आपने इसको सिलेक्ट करके देखना है कि मैनेजर्स की टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े, पांच रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूं इन पांच रिकॉर्ड्स को, जाहिर है क्या होगा, इस टेबल में जितने भी मैनेजर आप एड करोगे और यहां पे जितने भी इंप्लॉयज एड करोगे, हर एम्प्लॉय के सामने आप बताएंगे कि उसका मैनेजर कौन है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके दो टेबल्स को अलग अलग रखा है। मैनेजर्स का टेबल इसीलिए अलग बनाया है ताकि जब भी बार बार आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल कल को सेम नाम से अगर कोई मैनेजर आ जाता है तो उसका हम कैसे मालूम करेंगे। सही है, सपोज अभी एक मैनेजर है जिसका नाम है हसन, कल को दूसरा हसन भी आ जाता है ना, तो आप अगर वहां पे एम्प्लॉय के टेबल में ही मैनेजर के नाम का यहां पे आप डिफाइन कर देते कि भाई एक मैनेजर का नाम है, यहां पे ऐड कर देते। सही है, अब अगर दो हसन है और यहां पे 15 एम्प्लॉयज एक हसन के, 15 एम्प्लॉयज दूसरे हसन के, आपको कैसे मालूम होगा कि यार कौन से हसन के कौन से एम्प्लॉयज है और कौन से हसन के कौन से एम्प्लॉयज है। सही है, तो वो मालूम होगा हमारे पास किस वे में, मैनेजर आईडी से। इसीलिए हमने उसको अलग टेबल में रखा है कि कल को नाम सिमिलर हो सके। यहां तक कौन सा क्लियर है? ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे आके हमने इसी तरह एम्प्लॉय की टेबल में भी कोई डेटा इंसर्ट कर देना है। मैं यहां आता हूं, इंसर्ट करते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय वैल्यूज। अब आपको पता है एम्प्लॉय आईडी आपकी आइडेंटिटी है तो उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बाकी नाम आप डिफाइन करेंगे। यहां पे आके आपने नाम डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं अली, उसके बाद आपने कहा कि भाई यहां पे जो है इसका सैलरी जो है वो क्या होनी चाहिए, सैलरी कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 30,000। उसके बाद हमारे पास क्या है MID. अब देखिए MID यानी इसका मैनेजर कौन होगा, आंसर क्लियर है?
तो यहां से आके आपने वो आईडी पास कर देंगे। अभी हम सिर्फ यहां पे आईडी पास कर रहे हैं, कल को हम यही आईडीज कहां से यूजर्स से सिलेक्ट करवाएंगे नंबर ऑफ मैनेजर बाय यूजिंग ड्रॉप डाउन, और ये इस तरह से आपका काम हो रहा होगा। तो मैं यहां पे आके मैनेजर की आईडी पास कर देता हूं 2, यानी अली का मैनेजर कौन होगा? हसन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करवा देता हूं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसी तरह मैं यहां पे आके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड करवा देता हूं, एक अली के बाद अहमद, अहमद का यहां पे आके कर देते हैं कि जो भी 3 होगा वो एज ए संभल लें, क्या होगा इसका मैनेजर होगा। फिर यहां पे आ जाता है हमारे पास अली गुल, और इसकी सैलरी जो भी रहने दे, इसका भी जो मैनेजर है वो 1 आईडी वाला है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनकी हमने वैल्यूज एड कर ली है, और आपको यहां पे नजर आएगा कि ये किस तरह से टेबल बन चुके। अब यहां पे नोट करें कि हमारे पास एक है मैनेजर्स का टेबल, सही है, दूसरा है हमारा एम्प्लॉइज का टेबल। अब यहां पे जितने भी मैनेजर एड हैं, इनमें से आपको नजर आ रहा होगा 1 पे एबीसी है, 2 पे हसन है, 3 पे खलाद, और 4 पे जैद है, और 5th पे उसारे में। अब यहां पे एम्प्लॉइज 1 आईडी वाले एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है? जिसकी आईडी 2 है, यानी हमारे पास ये जो हसन है वो क्या है? एज अ मैनेजर है। किसका? अली का। इसी तरह अहमद का मैनेजर कौन है? जिसकी आईडी 3 है। तो खलाद एज अ मैनेजर है किसका? अहमद का। इसी तरह अली गुल का जो मैनेजर है वो कौन है? वो एबीसी। कौन सा क्लियर हो गया? अब सिनेरियो ये आता है कि कल को एक मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता है, सपोज एबीसी ने कंपनी छोड़ दी। कौन सा क्लियर है? लेकिन एम्प्लॉइज अभी तक हमारे पास कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो या तो ये करेगी कंपनी के उस बंदे की जगह पे कोई दूसरा बंदा अपॉइंट करेगी, या उन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नया मैनेजर बनाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक काम तो ये करेगी। दूसरा कंपनी क्या कर सकती है कि जो आपका अभी मैनेजर नहीं है, तो आप उन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कहेंगे कि अभी आपका मैनेजर नहीं है, वेरी सून वी आर गोइंग टू समले के अपॉइंट अनदर मैनेजर, तब तक के लिए आपके इस आपके कॉलम के अंदर या इन एम्प्लॉइज का जो मैनेजर है वो आपकी मैनेजर आईडी क्या रखनी है? नल रखनी है, है ना? ओके उसके बाद हमारे पास होता क्या है कि अगर वो मैनेजर जो आप मैनेजर्स की टेबल में आपने जिसका रिकॉर्ड रखा है, जिसकी आईडी 1 है, नाम एबीसी है, अगर आप इसको करते हैं डिलीट, सही है, या वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो मैं यहां पे आगे कहता हूं कि भाई डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? मैनेजर, वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 1, कि एबीसी साहब जो है वो अभी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एबीसी के अंडर में अलीगुल काम करता है। अलीगुल क्या है? इज अ एम्प्लॉय। तो क्या ये अलाउ करेगा? सही है, अभी तक मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन क्या ये अलाउ करेगा? तो यहां पे आके देखेंगे ये आपको कहेगा ऐसे नहीं होगा। वजह क्या है? वजह सिंपल है कि अगर आप मैनेजर डिलीट कर रहे हैं तो पहले उसके एम्प्लॉइज डिलीट करके आओ। क्या डिलीट करके आओ? एम्प्लॉइज, यानी पहले चाइल्ड टेबल से पूरा डेटा डिलीट होगा, फिर मैनेजर से डिलीट कर सकते। कौन से क्लियर हो गया? ये है नॉर्मल फॉरेन की और आपके प्राइमरी की रिलेशनशिप का काम। लेकिन एक चीज और नोट करें, अब यहां पे बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जिनके अभी तक कोई एम्प्लॉइज नहीं है। कौन सा क्लियर हो गया? सपोज मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे उसारे में 5th नंबर पे एज ए क्या है? एक मैनेजर है जिसका कोई भी एम्प्लॉय यहां पे नहीं है, लेकिन अगर आप इस बंदे को यहां से जिसकी मैनेजर आईडी क्या है? 5 है, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको डिलीट करने देगा। वजह क्या है? सिंपल कि अभी तक ये डेटा मैनेजर्स की टेबल में ही है, इस डेटा का वहां पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं। कौन सी टेबल में? एम्प्लॉय के टेबल। कौन सा क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि सारा डेटा डिलीट नहीं होगा,
सिर्फ वो डेटा डिलीट नहीं होगा जो उस टेबल में एज अ रिलेशनशिप में, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बात हो गई यहां तक कि हम इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई और लाइक 3ID वाला मैनेजर डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑलरेडी वहां पे कोई ना कोई इंप्लॉय है, तो इस तरह से आपको ये अलाउ नहीं करेगा। तो बेटा जब आपने फॉरेन की दी थी उसी टाइम पे एक हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम सेट करते हैं, यानी जब आप मैनेजर्स की टेबल के साथ रिलेशनशिप कर रहे थे ना उसी वक्त आप रिलेशनशिप पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते, सही है? अब वो रेस्ट्रिक्शन दो चीजों पे हो सकती है, ऑन डिलीट पे भी और ऑन अपडेट पे भी। कि अगर इस टेबल जिसके साथ आप रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, मैनेजर की टेबल है ना वो, उसमें अगर कोई डेटा डिलीट है या डिलीट होता है तो यहां क्या होना चाहिए, ऑन डिलीट पे क्या होना चाहिए यहां पे, समझ में आ रहा है? फिर वहां पे अगर कोई डेटा क्या होता है मैनेजर्स की टेबल में अपडेट होता है तो यहां पे क्या होना चाहिए, कौन से क्लियर हो रहा है? तो मेजॉरिटी अगर आप कुछ भी नहीं देते तो ऑन अपडेट और ऑन डिलीट, चले डिलीट पे तो सामने आ गया ना, एक काम कर लेते हैं यहां पे आके मैं एक मैनेजर की आईडी क्या कर देता हूं बेटा, अपडेट करता हूं, क्योंकि आईडी तो रिलेशनशिप में ना स्टेबल के साथ, नाम नहीं, मैनेजर का नाम अपडेट करोगे हो जाएगा, मैनेजर का नाम अपडेट करोगे हो जाएगा भले उस टेबल में हो या ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, मैनेजर की आईडी, अगर आप मैनेजर की आईडी क्या करते हैं अपडेट करते हैं तो ये आपको अलाउ करता है या नहीं करता ये चेक करते हैं, क्योंकि मैनेजर की आईडी ही है जो मैनेजर के टेबल से रिलेशनशिप कर रही है, किससे, एम्प्लॉय के टेबल के साथ। तो मैं यहां पे आके अपडेट करता हूं मैनेजर की आईडी और वैल्यू क्या देता हूं, मैं कर देता हूं 6, क्योंकि इस तरह की कोई आईडी है नहीं ना, सही है? मैंने अपडेट करो टेबल, टेबल का नाम क्या है मैनेजर, और सेट करो मैनेजर की आईडी वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू, सपोज मैं कर देता हूं 2, यानी जहां पे मैनेजर की आईडी 2 है उसकी आईडी क्या कर दो 6 कर दो, क्या ये करने देगा? यानी हसन की आईडी पहले क्या है 2 है ना, मैं अपडेट करके क्या रखना चाहता हूं 6 रखना चाहता हूं, मैं इसको करता हूं सिलेक्ट और इसको देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है जी, अपडेट की क्वेरी हमने यहां रखी है, सेलेक्ट दिस एग्जीक्यूट, क्या हुआ ये अपडेट भी नहीं करने देगा, कि मैनेजर की आईडी को आप अपडेट नहीं कर सकते, कौन सा क्लियर है यहां तक? क्योंकि यही मैनेजर की आईडी किस रिलेशनशिप में, दूसरी टेबल के साथ, उसमें ये वैल्यू पड़ी है वहां पे, कौन सा क्लियर है? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कौन सी, आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने मैनेजर की आईडी या मैनेजर की टेबल जब बनाई तो इसको आइडेंटिटी नहीं रखा, क्यों? जब मैंने मैनेजर्स की टेबल बनाई तो उसको आइडेंटिटी नहीं रखा, क्यों? इसीलिए कि बेटा जब आप इसको आइडेंटिटी देंगे ना तो फिर भी आपका वो अपडेट नहीं होगा भले वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, समझ में आ रहा है? अभी ये मैनेजर आईडी तो रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो अपडेट नहीं करने दे रहा, लेकिन आप नॉर्मल टेबल बनाओ जो दोनों टेबल से रिलेशनशिप नहीं करता। मेरा कहने का मकसद सिंपल ये है, क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम इज एबीसी, सही है? इसको कर देते हैं आईडी इंटीजर प्राइमरी की आइडेंटिटी, क्या दे दिया हमने इसको आइडेंटिटी। इसी तरह मैं एक दूसरा कॉलम भी बना देता हूं इसके अंदर नेम, और उसको कर देते हैं वर्चार, और उसकी लेंथ कुछ भी। अब अगर आपने इसको आइडेंटिटी दे दी तो इसका मकसद क्या हुआ, मैं यहां आता हूं, इसको क्रिएट करते हैं टेबल को, इसमें एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है भाई, एबीसी वैल्यूज। अब पहली आईडी मैंने नहीं देनी क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी कॉलम है, अब ये खुद ही क्रिएट करता रहेगा। मैं यहां पे नाम कर देता हूं इसके अंदर पास, मैं कर देता हूं एबीसी 1 2 3, ये नाम।
सिलेक्ट करते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं इंसर्ट, हो गया इंसर्ट। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एबीसी और इसको सिलेक्ट करके चेक करते हैं। बेटा एबीसी की टेबल में क्या पढ़ा है डेटा, आईडी वन पढ़ी है। अभी कोई ये एबीसी टेबल किसी टेबल के साथ रिलेशनशिप में है, नहीं है, लेकिन मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूं। अपडेट करो कौन सी टेबल, एबीसी की, सेट करो उसका आईडी वाला कॉलम टू, है ना, वेयर आईडी इज इक्वल टू वन। तो ये क्या कहेगा, पढ़ो, कैन नॉट अपडेट आइडेंटिटी कॉलम। सही है, किसी टेबल के आपके कॉलम पे आपने अगर आइडेंटिटी लगाया तो वो तो नॉर्मली ही अपडेट नहीं होगा, ये माइंड में बिठा दो। सही है, शायद आपको लगे कि शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा अपडेट, तो ये अलग बात है, वो रिलेशनशिप की वजह से अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए मैंने जब मैनेजर का टेबल बनाया तो उसमें आइडेंटिटी नहीं दिया ताकि वो अपडेट हो जाए। अच्छा, अब अगर इसी को मैं अभी करता हूं ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है बेटा, एबीसी, इसको करते हैं यहां पे आके ड्रॉप करते हैं, एबीसी को करते हैं ड्रॉप, ड्रॉप हो गए टेबल। मैं यहां आता हूं, अब इससे आइडेंटिटी हटाता हूं और इसको करता हूं क्रिएट। अब सही है, एबीसी टेबल को फिर से क्रिएट करते हैं और उसमें एक वैल्यू फिर से इंसर्ट करते हैं, वैल्यू भी इंसर्ट हो गई। अच्छा, अब वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, तो आपको ये फर्स्ट कॉलम यानी आईडी वाले कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी। चलें जी, वैल्यू दे भी दी है हमने, सिलेक्ट करके देखते हैं वैल्यू पड़ी है, पड़ी है। सही है, एबीसी कॉलम के पहले कॉलम आईडी पे अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हाँ प्राइमरी की अप्लाई है, आइडेंटिटी नहीं है। अब इसको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूं तो ये अपडेट हो गया क्योंकि उस पर अभी आइडेंटिटी नहीं है, तो जिस कॉलम पे आइडेंटिटी लग जाता है वो कॉलम कभी भी अपडेट नहीं होता, ये माइंड में बिठा दो। सही है, लेकिन अगर बात की जाती है रिलेशनशिप्स की, तो बेटा रिलेशनशिप्स के अंदर जो हमने अभी लगाया हुआ रिलेशनशिप उसकी वजह से वो अपडेट नहीं हो रहा, ना के आइडेंटिटी कॉलम की वजह से। कौन सा क्लियर है यहां तक, राइट। अब बात करते हैं कि हमारे पास अपडेट भी नहीं हो रहा ना ही डिलीट हो रहा, यानी पेरेंट टेबल से अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप दिया हुआ है तो ना डेटा अपडेट होगा ना डेटा डिलीट होगा। अगर वो रिकॉर्ड, यानी कोई ऐसा मैनेजर जिसका रिकॉर्ड एम्प्लॉय के टेबल्स में भी है, एग्जिस्ट करता है, तो ना वो मैनेजर का रिकॉर्ड अपडेट होगा ना वो डिलीट होगा। कौन सा क्लियर, लेकिन आपको कोई कल को यूजर कहता है जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं कि नहीं यार ये तो होना चाहिए, ठीक है, कि मैनेजर को जब मैं डिलीट करूं तो डिलीट हो जाए, जब मैं डिलीट करूं तो डिलीट भी हो जाए, अपडेट करूं तो अपडेट भी हो जाए। लेकिन एक चीज और, कौन सी, कि अपडेट तो होगा डिलीट भी होगा, लेकिन क्या चाइल्ड टेबल पे फर्क पड़े या ना पड़े, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं दोनों टेबल को। ये रही दोनों टेबल्स, एक है मैनेजर का टेबल, दूसरा है एम्प्लॉय का टेबल। सेलेक्ट करते हैं इसे, शोर है डेटा बेटा, सही है। अब मैनेजर्स की टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े हैं, चार, और एम्प्लॉय के टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े, तीन। अब हमारे पास मैनेजर की आईडी जो यूज हो रही है वहां से कितनी है, वन और थ्री और टू, यानी ये तीन आईडीज हमारी यूज हो रही है एज अ एम्प्लॉय के टेबल में, यानी ये तीन मैनेजर जो किस मैनेजर की टेबल से आ रहे हैं वो एज अ एम्प्लॉयज के मैनेजर सर्व कर रहे हैं। कौन सा क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब आपको कल कोई यूजर कहता है कि यार ये क्या करें कि हम जब डेटा डिलीट करें ना मैनेजर्स की टेबल से, भले वो चाइल्ड की टेबल में भी हो या एम्प्लॉय के टेबल में भी हो, तो वहां से भी डिलीट हो जाए। कौन सा क्लियर हो गया, हाँ, लेकिन अगर आप चाइल्ड टेबल, यानी कौन सी टेबल, चाइल्ड टेबल, यहां पे चाइल्ड टेबल कौन है, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय की टेबल का सारा डेटा डिलीट करके मैनेजर की टेबल से डिलीट करेंगे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर उस टेबल में इसका कोई रिलेशनशिप होगा या नहीं तो वैसे ही डिलीट हो रहे हैं वो कॉलम या वो रिकॉर्ड। चौथी आईडी वाला मैनेजर यहां पे जेड है,
उसका कोई इंप्लॉय है यहां पे? नहीं है। अगर मैं अभी इसको डिलीट करूं तो हो जाएगा ना? इसका मकसद जिस रिकॉर्ड का वहां पे कोई वास्ता नहीं है वो डिलीट वैसे ही हो रहा है, सही है। तो अगर हम चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं तो यहां के रिकॉर्ड भी वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। कौन सा क्लियर हो गया? लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे चाइल्ड टेबल या हमारी एम्प्लॉयज के कल को 100 एम्प्लॉयज हो, मैं सबको डिलीट करूं एक मैनेजर की वजह से, फिर मैं एड करूं, ये अच्छी प्रैक्टिस थोड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी रिलेशनशिप के ऊपर। क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी? तो मैं सबसे पहले इन टेबल्स को करूंगा ड्रॉप। एक टेबल है ड्रॉप टेबल मैनेजर, यानी दोनों को फिर से बनाऊंगा, या मैनेजर को रहने ही दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी दूसरी टेबल जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं दोनों को ड्रॉप करें। अच्छा, ड्रॉप में भी एक याद रहे चीज कि पहले एम्प्लॉय ड्रॉप करेंगे फिर मैनेजर ड्रॉप करेंगे। कौन सा क्लियर है? पहले एम्प्लॉय ड्रॉप होगा। चले जी मैनेजर करके ड्रॉप देखते हैं, आपको ड्रॉप भी नहीं करने देगा, क्योंकि कहेगा यार इसमें जो स्ट्रक्चर और वैल्यूज है वो किसी दूसरी टेबल से जुड़ी हुई है, सही है। तो पहले एम्प्लॉय के टेबल को ड्रॉप भी करना है। तो डिलीट और ड्रॉप दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। अब देखें दोनों हो गए, पहले मैंने एम्प्लॉय को ड्रॉप किया फिर मैनेजर को ड्रॉप किया, तो दोनों ड्रॉप हो चुकी। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैनेजर का टेबल करता हूं क्रिएट। तो यहां पे आके मैंने एक मैनेजर का टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल मैनेजर, ठीक है बेटा। मैनेजर का टेबल हमारा हो गया क्रिएट। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या? एम्प्लॉय का टेबल। एम्प्लॉय के टेबल को अब क्रिएट करने के वक्त हमें क्या देने हैं? दो रेस्ट्रिक्शन देने, ऑन डिलीट पे क्या हो और ऑन अपडेट पे क्या। कौन सा क्लियर है? अब क्या करना है? मैं चाहता हूं ऑन अपडेट पे या ऑन डिलीट पे कैस्केड हो। क्या हो? कैस्केड। अब कैस्केड अगर आप देते हो तो इससे क्या होता? इसका मकसद अगर आपके मैनेजर की टेबल से आपने कोई भी चीज डिलीट की तो उस टेबल के उस कॉलम या रिकॉर्ड से जो भी डेटा जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर कोई मैनेजर है, उसका नाम है एबीसी और उसके 15 एम्प्लॉइज हैं, सही है। तो अगर एबीसी डिलीट होगा मैनेजर्स की टेबल से, तो एम्प्लॉइज की टेबल के अंदर इस एबीसी के जो 15 एम्प्लॉइज हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। कैस्केड क्या करता है कि जो पेरेंट में होगा वो सब के सब रिकॉर्ड जो उस पेरेंट टेबल से जुड़े हुए वो सब पे अप्लाई होगा। कौन सा क्लियर हो गया? अपडेट पे भी वही होगा कि अगर आपने अपडेट की आईडी कहां से? मैनेजर्स की टेबल के किसी भी मैनेजर से, तो वो ऑटोमेटिक आईडी वहां पे भी अपडेट हो जाएगी। कौन सा क्लियर हो गया? यानी अगर अहमद जिसकी आईडी 2 है एज अ मैनेजर है और उसके 50 एम्प्लॉइज है, अहमद एज अ मैनेजर है जिसकी आईडी क्या है? 2 और उसके 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है। कल को आपने अहमद की आईडी क्या हटा के कर दी? 2 से 3 कर दी। कहां से की? मैनेजर्स की टेबल से, लेकिन उसी आईडी से तो उसके 50 क्या है? एम्प्लॉइज है ना, तो क्या करेगा? उन 50 एम्प्लॉइज के सामने अहमद की आईडी अपडेट करके 2 से क्या कर देगा? 3 कर देगा। कौन सा क्लियर? यानी अगर डेटा डिलीट होगा तो चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉय टेबल से भी उससे रिलेटेड डेटा डिलीट होगा, अगर अपडेट होगा तो आपका कहां से अपडेट होगा? उस टेबल से भी अपडेट। चलें जी ट्राई करके देख लेते हैं। मैनेजर का टेबल बना चुके हैं, यहां पे आके हमने बनाना है अब एम्प्लॉय का। अब डेटा डमी इंसर्ट कर देते हैं जिसे पहले इंसर्ट किया था। आई एम गोइंग टू इंसर्ट दीज रिकॉर्ड्स अगेन, कि ये सारे मैनेजर होंगे और कुछ एम्प्लॉइज हमने नीचे इंसर्ट किए थे, वी आर गोइंग टू इंसर्ट देम अगेन। अली है एक एम्प्लॉय, उसके अलावा अच्छा अली बार बार रिपीट होगा, अली एक ये है, ठीक है। अली का एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया हमने, इसी तरह हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड भी अली है। यहां आ जाते हैं, अहमद एड करवा देते हैं अली को, ठीक है बेटा।
अब इनको सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से चीजें शो हो रही है। ठीक, अब मैंने कहा कि मैनेजर्स की टेबल में है 5 रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज की टेबल में है 3 रिकॉर्ड, और यहां पे टू मैनेजर जो हमारा है उसका एक ही एम्प्लॉय। मैं चाहता हूं इस टू मैनेजर के कुछ और एम्प्लॉय भी ऐड हो जाए। मैं सपोज अली को यहां पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल फहद, और इसकी वैल्यू यहां पे पास कर देते हैं 40,000, और ये टू इसकी एज अ मैनेजर आईडी होगी, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब मैं बिल्कुल नीचे आता हूं, इसको फिर से देखते हैं कि इसके अंदर डेटा क्या पड़ा। तो मैनेजर्स की टेबल में अब पड़े हैं 5 रिकॉर्ड, और एम्प्लॉयज की टेबल में कितने पड़े हैं बेटा? 4 रिकॉर्ड। लेकिन यहां पे ये जो अली है इसका मैनेजर भी कौन है? जिसकी आईडी 2 है, यानी हसन जो है अली का भी मैनेजर है और हसन जो है वो फहद का भी मैनेजर है। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है बेटा यहां तक। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे जब मैं हसन के रिकॉर्ड को अपडेट करूं, या हसन की आईडी जो यहां आ रही ना 2, मैं इसको क्या करूं? अपडेट करूं, तो क्या ये अपडेट करने देगा? तो हमने यहां पे ऑलरेडी अपडेट वाली क्यूरी लगाई थी मैनेजर्स के लिए, तो यहां आ जाते हैं। ये रहा, मैं यहां पे आके अपडेट करना चाहता हूं मैनेजर्स की उस आईडी को। ये रही, अपडेट करो मैनेजर्स की टेबल, आईडी करो सेट, 2 को हटा के कौन सी आईडी? 6 रखो, वेयर मैनेजर आईडी क्या है? 2 है, यानी हसन यहां पे इज अ मैनेजर है बेटा, उसकी आईडी क्या है? 2। अगर मैं इसको अपडेट करता हूं तो क्या ये चाइल्ड टेबल में भी 2 कर देगा? हर जगह कर देगा, क्योंकि हमने क्या लगा दिया रिलेशनशिप पे? कैस्केड। आंसर क्लियर है कि ऑन अपडेट पे हमने क्या लगाया था? कैस्केड, कि जब भी पेरेंट टेबल या मैनेजर की टेबल से डेटा अपडेट करोगे तो चाइल्ड में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। कौन सा क्लियर है? कि आपके मैनेजर्स की टेबल से एक रिकॉर्ड को अपडेट करोगे, वही रिकॉर्ड अगर एम्प्लॉयज की टेबल में 50,000 भी एम्प्लॉयज के ऊपर लगा हुआ है ना उसका, यहां समझ लो 50,000 एम्प्लॉयज भी उसके अंडर काम करते हैं, तो उनके सामने क्या वो आईडी सेट हो जाएगी जो आपने यहां से चेंज किया? कौन सा क्लियर है? चले जी अपडेट करते हैं और टेस्ट करते हैं इसको कि क्या ये हुआ या नहीं। वन रो इफेक्टेड, दोनों टेबल को चेक कर, क्या हुआ? यहां से तो आईडी अपडेट हुई, हसन की आईडी पहले क्या थी? 2, अब क्या हो गई? 6। लेकिन यहां आओ तो उसके पास हमारे पास क्या हो चुका है? ठीक है, पहले भी अली हसन के अंडर में काम करता था, अब भी फहद किसके अंडर में काम कर रहा है? हसन। अच्छा, इसी तरह हम क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं एक रिकॉर्ड, कौन सी टेबल से? मैनेजर की टेबल से, जो कहां जुड़ा हुआ है? इस एम्प्लॉय के टेबल के साथ जुड़ा हुआ। सपोज इसी हसन को अब यहां से आके डिलीट भी कर देते हैं। मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है बेटा? मैनेजर, वेयर मैनेजर की आईडी इज इक्वल टू 6, यानी जिस बंदे की आईडी 6 है उसको करो डिलीट। कौन सा क्लियर? अगर ये रिकॉर्ड डिलीट होता है, यानी हसन यहां से डिलीट होता है, तो हसन के अंडर में अभी कितने एम्प्लॉयज हैं? अली और फहद, 2 है ना, तो हमने ऑन डिलीट पे भी क्या अप्लाई किया हुआ? कैस्केड। तो कैस्केड क्या करेगा? यानी खुद तो डिलीट होगा लेकिन उसके अंडर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहां पे आके क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं डिलीट। वन रोज अफेक्टेड। लेकिन अब अगर मैं यहां पे आके इस टेबल को सिलेक्ट करके देखूं मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों को, तो क्या इफेक्ट हुआ है दोनों टेबल्स के ऊपर? यहां क्या हुआ? हसन डिलीट हुआ मैनेजर्स की टेबल से, लेकिन हसन के अंडर में यहां पे जो 2 एम्प्लॉयज काम करते थे वो भी क्या हो गए? डिलीट हो, क्योंकि हमने जब इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप लगाया था तो हमने क्या लगा दिया था? ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पे कैस्केड। कैस्केड का मकसद जो वहां होगा वो वहां पे भी हो। जैसे
किसी मेन ब्रांच, आपकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं आपको पता है, HBL जैसे हमारे पास एक बैंक है, उसमें जो भी नए रूल आते हैं वो सारी ब्रांचेस पे क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो मेन ब्रांच के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, उन पे जो भी रूल नए आए ऑटोमेटिक जो आपके ब्रांचेस हैं उस HBL के उस सब पे भी अप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कल को इस तरह के डेटाबेसिस के ऊपर आप क्या कर देंगे, आप इस तरह की चीजें अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभार सिनेरियो ये होता है कि जैसे मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया था कि अभी तो चलो वो बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसके एम्प्लॉइज भी आप डिलीट कर रहे हो, है ना, कि उनको भी आप खत्म कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैनेजर छोड़ के जा रहा है तो मैनेजर जब छोड़ के जा रहा है तो मैनेजर को ही हटाओ ना, एम्प्लॉइज क्यों डिलीट कर रहे हैं आप? हमसे क्लियर है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे ऑन डिलीट पे क्या लगाना है, सेट नल, और ऑन अपडेट पे भी क्या लगाना है, सेट नल, अगर आप चाहते, सही है। लेकिन हाँ, ऑन डिलीट पे तो आप चलो सेट नल ही लगा दो, अपडेट पे आपकी मर्जी है कि पेरेंट टेबल में अगर किसी मैनेजर की आईडी अपडेट होती है तो ऑटोमेटिक वहां पर भी अपडेट हो जाए, तो इस पर तो कैस्केड चलता है ऑन अपडेट। कौन सा क्लियर है यहां तक? लेकिन ऑन डिलीट पे क्या करेंगे, सेट नल कर देंगे। इसके लिए मुझे फिर से टेबल्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम, ये एक बार का काम है बेटा। यानी हम टेबल्स जब बना रहे होंगे एक बार ये अप्लाई कर दिया, फिर बार बार करने की कोई जरूरत नहीं, सही है। ये काम पूरा डेटाबेस एंड पे होगा, हमें लॉजिक एंड पे कुछ भी नहीं करना, या जब हम बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर रहे होंगे तब हमें इस तरह की चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब अगेन कह रहा है कि मैनेजर्स की टेबल को आप पहले डिलीट नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव टू गो विद एम्प्लॉयर फर्स्ट, ड्रॉप दिस। अगेन क्या कह रहा है, अच्छा ये डिलीट सॉरी ड्रॉप हो चुकी है, आयो हाँ देख लेते हैं सिलेक्ट करके, कौन सा क्लियर है, ड्रॉप कर दी थी हमने, ऊपर चलते हैं और फिर से इनको बनाते हैं। क्रिएट टेबल मैनेजर, मैनेजर तो ऐसे ही बनेगा, सही है, मैनेजर के टेबल को कुछ नहीं करना है, बस जहां से रिलेशनशिप दे रहे हो उस पर आपको जो चीजें अप्लाई करनी है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैनेजर का टेबल बन गया, उसके बाद हमें जाना है एम्प्लॉय के टेबल में, एम्प्लॉय के टेबल पे हमने पहले लगाया था कैस्केड, अब क्या लगाएंगे, सेट नल। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी डेटा डिलीट होगा मैनेजर्स की टेबल से तो आपके एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से अब पूरे एम्प्लॉय डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, सेट नल हो जाएगा कि अब इनका कोई मैनेजर नहीं रहा, ये लावारिस हो चुके, सही है। इस तरह से चले जी, अब मूव करते हैं डेटा की तरफ कि इसको बना दिया हमने एम्प्लॉय को, नहीं एम्प्लॉय को हमने सिर्फ सेट नल अप्लाई किया, वी डिडंट क्रिएट इट, ठीक है जी। यहां तक क्रिएट करते हैं, इसे हो चुका। अगेन आपको क्या करना है, मैनेजर्स की टेबल के अंदर कुछ डमी डेटा ऐड करना है, कर दिया। इसी तरह एम्प्लॉयज के अंदर भी हमें क्या करना है, डमी डेटा ऐड कर देना है। एक एम्प्लॉय है अली, उसके बाद कौन है जी, फहद, के बाद कौन है, अहमद, ये हो चुके हैं। चलें जी, अलीगुल भी है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो हमारे ये कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं यहां आता हूं, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि दोनों टेबल में डेटा क्या बढ़ा। श्योर है, पांच एम्प्लॉइज हैं और चार सॉरी पांच मैनेजर हैं और चार एम्प्लॉइज हैं, सही है। मैंने कहा कि अगर मैनेजर्स की किसी भी टेबल से आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉयज की टेबल में अब वो एम्प्लॉय डिलीट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेट नल हो जाएंगे। यानी अली का यहां पे अभी मैनेजर कौन, टू आईडी वाला यानी हसन, इसी तरह यहां पे अलीगुल का जो मैनेजर है वो कौन है, एबीसी। तो अगर मैं क्या करता हूं, एबीसी को डिलीट कर देता हूं तो अलीगुल का अब कौन होगा हमारे पास जो है मैनेजर, कोई नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा उसके सामने, सेट नल हो जाएगा।
या नल सेट हो जाएगा। तो मैं ड्रॉप करता सॉरी डिलीट करता हूं टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल का नाम है मैनेजर, वेयर मैनेजर की आईडी क्या है 1 है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम मैनेजर, फ्रॉम क्लॉज नहीं दिया हमने, फ्रॉम मैनेजर वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू डिलीट करता है। वन रोज अफेक्टेड, क्या हमारे पास उसके एम्प्लॉइज के ऊपर क्या फर्क पड़ा? देयर वी गो। तो आपके पास एबीसी डिलीट हो गया, लेकिन एबीसी का जो भी इंप्लॉय था यहां पे, अभी एक है कल को 1000 हो सकते हैं, सबके सामने क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा, सही है। तो कभी कभार हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है, कभी कभार हमें कैस्केड की जरूरत पड़ती है। एक और भी होता है जिसको कहते हैं नो एक्शन, क्या होता है नो एक्शन, एक होता है सेट नल, एक क्या होता है कैस्केड, और तीसरा क्या होता है नो एक्शन। चले एक काम कर लेते हैं, एक और काम, अगेन वी हैव टू ड्रॉप दीज टेबल्स और हमें इसको ट्राई करना है। दोनों टेबल को फिर से ड्रॉप करेंगे, एक टेबल ये और दूसरी है ये, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि हमें फिर से टेबल बनाना है मैनेजर का, क्रिएट किया हमने। अब हम जब एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, यहां पे आके सेट नल नहीं, अब क्या लगाना है नो एक्शन, कुछ ना करो, है ना, नो एक्शन। तो अब हम देखते हैं कि जब हम नो एक्शन लगाते हैं तो क्या होता है। सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट इट, इस टेबल को फिर से क्रिएट करने जा रहे हैं और सिर्फ डिलीट पे नो एक्शन लगाया, ठीक है जी, डिलीट हो चुका यानी अप्लाई हो चुका। अब मैनेजर्स के अंदर हमने फिर से क्या ऐड करना है, डमी डेटा, तो सेलेक्ट दिस एग्जीक्यूट दिस। इसी तरह हमें एम्प्लॉइज के अंदर कुछ डमी डेटा ऐड कर लेना है, यहां से सेलेक्ट करते हैं और कुछ रिकॉर्ड है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा, ये भी हमने ऐड कर दिए। और यहां पे आके अब चेक करते हैं कि इन दोनों टेबल में जो डेटा पड़ा है वो किस तरह से पड़ा है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास मैनेजर्स के पास अगेन 5 रिकॉर्ड है और उसके बाद एम्प्लॉय के टेबल के पास 4 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन एक चीज नोट करें, यहां पे अली और फहद का जो मैनेजर है वो कौन है, जिसकी आईडी 2 है यानी हसन है। अब मैं हसन को करने जा रहा हूं डिलीट जिसकी आईडी क्या है 2 है, तो क्या नो एक्शन किस तरह से आउटपुट देता है, क्या आपको जो है एज आउटपुट में देता है, तो डिलीट करते हैं, क्या हुआ, ये वही है जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ना डिफॉल्ट। रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन का मकसद एक ही है, यानी नो एक्शन इज अ डिफॉल्ट है, दो या ना दो वो ऑटोमेटिक वही काम करेगा। कौन सा क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, नो एक्शन डू नथिंग, है ना, अपडेट पे और डिलीट पे अगर आपने नो एक्शन लगाया तो जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हो रहा था वो नो एक्शन से होता है। कौन सा क्लियर, कैस्केड और सेटनल से कोई ना कोई चीज आपकी अप्लाई होती है, और ये दोनों तीनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये एक ही बार में समझ में आ गए।